हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं हूँ रचना, ये है मेरे मदर इन लॉ और स्वागत है आपका हमारे चैनल में हांडी खुशियां दी। तो आ गए हैं आज हम फिर से एक एक्साइटिंग सी रेसिपी लेके, जिसमें होगा मुकाबला। सुभान अल्लाह, मेरी लैला। तो आज हम करेंगे मुकाबला, पंजाब वर्सेस हिमाचल। और हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों की एक डिश। आप पंजाब में उसे कहते हैं पतौड़। मम्मी आपके क्या कहते हैं? हमारे बत्ती बोलते हैं। बत्ती, अच्छा। तो पतौड़ वर्सेस बत्ती, ठीक है। और चलते हैं अब हम जल्दी से किचन में। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, जल्दी कर दें। अब चलते हैं हम किचन में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया तो दो तरह की डिशेस बनेंगी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मम्मी की रेसिपी से। मैंने मक्की का आटा लिया, हल्दी ली है, नमक, हींग और धनिया पाउडर और ये हरी मिर्च, ये मैं मिक्स करूंगी। इससे अलावा और मैं कुछ नहीं डालूंगी इसमें। ये मरुआ का पत्ता है, ये मैंने इसमें इसके अंदर ऐड करना है। मम्मी, मरुआ का पत्ता मतलब क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये अरबी के पत्ते ना मतलब खराब नहीं लगते। अच्छा। हाँ। बना है मक्की के आटे से, वो आपने देख लिया। अब आप देखो पंजाबी स्टाइल में हम कैसे बनाते हैं। अब मैंने ले लिया है बेसन, ठीक है, ये कुछ एक कप है। और इसमें मैं डालूंगी एक, मैंने ना ग्राइंड किया हुआ था, थोड़ा सा लहसुन। लहसुन मतलब ज्यादा नहीं लेना, 3-4 कलियां डाली हैं मैंने सिर्फ। और अदरक और मिर्ची, ठीक है। और मैंने प्याज डाला है, प्याज मतलब मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है तो मैंने डाल दिया है और टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना एक बारी। फिर इसमें हम डालेंगे, ये मैंने ना साबुत धनिया लिया था, इसको थोड़ा मतलब दरड़ सा कर लिया है, ठीक है, ये मैं डालूँगी। फिर थोड़ी सी मैं डालूँगी हींग और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अजवाइन, ठीक है। अरबी के पत्ते हैं तो अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है इसमें। अब हम डाल देंगे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक, रेड मिर्च ऑप्शनल है, हरी डाल दी है मैंने बट मुझे अच्छी लगती है तो मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा मैं धब्बी डाल दूँगी हल्दी। अब डाल देंगे हम धनिया पाउडर, ठीक है। तो बस यही सब कुछ डालना है। अब हम इसको कर देंगे मिक्स पानी डाल के। तो ये दो साइड्स होती हैं पत्ते की, तो हमें ये जो लाइट वाली साइड है ना, जिसकी डंडी है, यहाँ डंडी ऊपर है, तो वो हमें ऊपर रखनी है, ठीक है। और इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैं जैसे मम्मी ने फाड़ा है, मैं फाड़ूंगी नहीं। यहाँ पे ना एक डंडी सी लगी होती है, वो तो हमने उतार ली, लेकिन आप ना यहाँ से थोड़ा सा इसको काटो, ये जो चीज़ होती है ना, वरना मतलब उबड़ा उबड़ा सा रहता है पत्ता, यहाँ से आप काटो ये चीज़। ये ना गले में भी लगती है, मतलब ये मुझे पता है, मतलब ऐसे बोलते हैं गले में लगती है, तो ये मैंने यहां से काट दी, ठीक है। अब ऐसे
थोड़ा सा पानी डाला है ऊपर, में हमने एक कटोरी रख के ना ये पतौड़ रख दिए हैं ऊपर। अब इसको ढक के हम स्टीम करवा लेंगे और स्टीम के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पतीड़ और मम्मी के बत्ती बनके हो गए हैं रेडी, स्टीम हो गए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है। तो मैंने क्योंकि धागा लगाया है, ठीक है, पहले ना मैं उसको उतार लूंगी, ठीक है। तो आप ये धागे को उतार लें। अब हम कर देंगे फ्राई। मीडियम गैस पे आप फ्राई करें। और एक ना हेल्दी ऑप्शन भी है, लाइक अगर आपको फ्राई नहीं करना ना, डीप फ्राई नहीं करना, देखो पहले तो ये स्टीम्ड है ना, तो बिल्कुल हेल्दी है। और फ्राई नहीं करना तो आप तवे पे ना हल्का सा ऑयल लगाओ और ये जो पीसेस करें ना, हमें उन्हें दोनों साइड से आप मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी कर लो, फ्राई कर लो। तो मतलब डीप फ्राई नहीं होगा, यू कैन सेव लॉट ऑफ कैलोरीज। तो दैट्स वन ऑफ द टिप फॉर यू। अब मैं इसको काटूंगी, अब इसके पीस कर लूंगी मैं छोटे छोटे। ये फ्राई कर दिए, मैंने कुछ नहीं डालना इसके अंदर, सब कुछ बना हुआ है। बस तेल में फ्राई करने थोड़ी देर, तो तैयार हो जाएंगे ये खाने के लिए। ये मतलब डीप फ्राई नहीं है मम्मी, है ना, स्टर फ्राई है। मतलब जिदा कि पकौड़िया वांगू नहीं दिता, जिदा मैं पकौड़िया वांगू दिता, ये ऐसी जो सब्जी करते हैं ना, सब्जी को फ्राई करते हैं, वैसे फ्राई करते हैं ना, ठीक है। धीरे धीरे बन जाएगी। हेलो गाइस, तो मेरे पतीड़ और मम्मी के बत्ती हो गई थी रेडी, ठीक है। तो मुकाबला था, तो टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, है ना, पता करने के लिए कि किसके अच्छे हैं। तो देखो वैसे तो दोनों ही अच्छे होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बेसन के हैं, ये मक्की के, ये मक्की के हैं, हाँ। तो फिर भी हम आपको मतलब बता देते हैं, थोड़ा बहुत और कहीं है नहीं टेस्टिंग करने के लिए, तो हम दोनों एक दूसरे का टेस्ट करके बता देंगे, है ना। तो देखते हैं मम्मी सच सच अगर हम बता दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बताओ बताओ, ठीक है। मम्मी आप ये करो ट्राई, ठीक है, मैं ये करती हूँ। बहुत अच्छे बने। देखो जो फ्लेवर है ना, वो तो मुझे खास डिफरेंस नहीं लग रहा, फर्क लग रहा है आपको फ्लेवर नहीं, में नहीं लगता फ्लेवर में नहीं, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट तो अरबी का पत्ता है, हाँ। है ना, और मसाले भी जो हमने डाले हैं ज्यादातर वो सेम ही है, हाँ। नमक मिर्च धनिया पाउडर, है ना, सेम ही है। लेकिन जो बनाने का स्टाइल है, हाँ, जो हमने मड़ुआ डाला है ना उसमें, मड़ुआ हाँ, उसका थोड़ा सा है अलग सा, मतलब हल्का सा कुछ आता है बैक ऑफ द टंग पे कुछ। मैंने खाया नहीं है कभी मरुआ, तो मतलब मुझे इतना उसकी समझ नहीं है, बट मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। ये सॉफ्ट है, तो इनका डिफरेंस ये है, ये सॉफ्ट है, ये होता है क्रिस्पी, ये पकौड़े जैसे हो गए, ये एक तरह की सब्जी जैसे हो गए, है ना। तो अब पता क्या है, अब क्या फैसला करेंगे हम, मतलब हम मम्मी को मैं जिता देती हूं, चलो मैं तो मम्मी को जिता दूं। बहुत अच्छे बने हैं दोनों के बहुत अच्छे, हाँ। मेरे बेटी भी बहुत अच्छे बना रहे हैं, हाँ। और क्या पता क्या, हम पता क्या, हाँ। करते हैं हम ना आप पे छोड़ देते हैं, आप दोनों ट्राई करो और ना बनाओ और हमें कमेंट में बताओ कि कौन सा आपको पसंद आया। नहीं बनते तो हमारे घर आओ और खाओ, सही बात है, हम खिलाएंगे आपको, हाँ। तो अब गाइज थैंक यू इस वीडियो के लिए, और आगे भी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें।
और लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे, जो न्यू लोग देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय बाय।